नमस्कार, आरजीए न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। बरेली समाचार, थाना इज्जत नगर, ग्राम भगवानपुर धीमरी के रहने वाले पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें कि इनकी दादलाई जमीन है जो कि रिठौरा मोहल्ला इंदिरा नगर कॉलोनी में है। वहां पर मकान है इनके, मकान पर कुछ दबंग भूमाफिया फर्जी तौर से कब्जा कर रहे हैं और उनको वहां पर आने नहीं देते हैं। जब वो जाते हैं अपने प्लाट पे तो वो उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। आप देख सकते हैं क्या है इस वीडियो के माध्यम से, ये प्लाट का जो निर्माण हो रहा है वहां पर मजदूर चल रहे हैं और ये पुलिस की मिली भगत से ये निर्माण कराया जा रहा है। कोर्ट में इसका मुकदमा भी चल रहा है लेकिन उसके बाद भी कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। नोटिस भी आए हैं इनके पास लेकिन नोटिस को भी नहीं मान रहे हैं। ये दबंगई से निर्माण चालू रखा है इनने, पुलिस सुन नहीं रही है। देखिए खबर सुनी होने की बात। रईस अहमद, कहाँ रहते हैं? भगवानपुर धीमरी के रहने वाले हैं। थाना इज्जत नगर लगता है। क्या मामला प्लाट का? ये प्लाट हमारे दादी इलाही जमीन है। ये छोटे हमारे चचा हैं, हमारे वाली साहब ख़त्म हो गए और छोटे मंझले वाले चाचा वो भी ख़त्म हो गए। छोटे वाले रह गए, उनसे मिलके इन्होंने चुपके बैनामा करा लिया। समझे? बैनामा कराने की सूचना मिली तो हमने इनसे कहा तो बोले जो तुम्हें कर मिले कर लेना, जो कब्जा करेगा आके उसको हम देखेंगे। समझे? और दो दिन पहले मैं आया यहाँ पे इनसे मना करने के लिए, मैंने कहा सर बात करने से ही मसला हल होगा, तो बोले यहाँ से चला जा रही तो मारा जाएगा। सुलेमान ने और बंधन ने। अच्छा, तो यहाँ आने नहीं देते हैं? यहाँ पे आने नहीं देते हैं। यहाँ पे हमारा ताला पड़ा हुआ था, ताला तोड़ के इन्होंने जुआ बनाना शुरू करा है। आपने इस संबंध में शिकायत की? शिकायत की थाने में, थाने में कोई सुनने वाला नहीं है। थाना हाबीगंज लगता है। वहाँ गए थे आप? हाँ वहाँ गए थे, चौकी में भी गए। कप्तान साहब से मिले थे? कप्तान साहब से मिले थे, वहाँ भी सूचना दी, वहाँ से भी अभी कोई सूचना नहीं आई। एसडीएम साहब किससे भी मिले, वहाँ से भी अभी कोई सूचना नहीं मिली। तो ये प्लाट और जगह और भी है क्या? और भी है वहाँ पे, वो भी कब्जा इन्हीं के कब्जे में है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है वो भी, उसे भी उस पर भी। अच्छा। और बैनामा जो है खारिज का मुकदमा डाल रखा है, वह संबंध आते हैं नहीं जाते हैं। कंप्लेंट केस करा 2012 में बैनामा कराया था, उसी समय हमने केस करा और इनके पास नोटिस आए, तलब भी हो चुके हैं, मेरे पास कॉपी है। समझिए, तलब भी हो चुके हैं। आप क्या चाहते हो? हम अपना